वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें एसएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि बीते दिन पूर्व बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड मुसहरी टोला में रात्रि के समय छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 110 लीटर शराब जब्त किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन इससे आक्रोशित आसपास के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया और 6 पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। साथ ही एसएसपी ने बताया कि इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकरण में शामिल 26 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। साथ ही पुलिस कप्तान ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी पुलिस अपराध या अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाती है तो उसका विरोध नहीं करे, जिससे पुलिस की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। 18 दिन बाद भागलपुर जिले में होना है और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण कारक शराब है, जिसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद लगभग 3500 लीटर शराब की जब्ती की गई है और चेक पोस्ट भी, जो 8 चेक पोस्ट चल रहे हैं हमारे, वहाँ से भी लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती हुई है। और 6 और 7 तारीख की रात्रि में शराब के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सूचना बरारी थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने CIT की टीम के साथ छापेमारी में वो निकले और बरारी थाना क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड है, उसके पास में एक टोला है, वहीं पर यह सूचना थी और उन्होंने छापेमारी करके 110 लीटर के करीब शराब और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और आसपास उस मोहल्ले के लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला किया और पत्थरबाजी की, जिसमें कि हमारी जो सरकारी गाड़ी थी उसका शीशा एक टूटा और हमारे 6 अफसर और कर्मीगण उसमें चोटिल हुए। बंदूक भी बनाने की बात थी सर, चोटिल हुए और उसके बाद वहाँ पर तुरंत फोर्स का मोबिलाइजेशन किया गया और जो वहाँ पर री इन्फोर्समेंट के लिए फोर्स पहुँची उनके द्वारा 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की गई, 110 लीटर शराब की जब्ती की गई और लगभग 600 लीटर अर्धनिर्मित जो शराब होती है उसका विनिष्टीकरण किया गया। शराब बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और इस पूरे प्रकरण में जितने लोग सम्मिलित थे उनको चिन्हित किया गया और 26 लोगों पर नेम्ड FIR हुआ। और उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें कि हमारी CIT की टीम थी, CAPF की भी एक टीम थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम थी, इन लोगों के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि उन जो बचे हुए 23 लोग थे उनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 26 लोगों को चिन्हित किया गया था और 26 में से कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो लंबित 4 लोग हैं उनके खिलाफ भी हमारी टीम लगी हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। आप सभी के माध्यम से एक संदेश भागलपुर की जनता को देना चाहूँगा